आखिर ये क्या हो रहा है? पुलिस वाले ऑटो रिक्शा वालों को डंडों से क्यों पीट रहे हैं? वे लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो रिक्शा वाले अपनी मांग लेकर यहाँ आए हैं और उनकी मांग यह है कि ओला और उबर ने उनके धंधों को ख़त्म कर दिया है, उनके लिए जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रशासन न तो कोई ध्यान दे रहा है और ओला और उबर वाले अपनी मनमानी करते हुए किस तरह से ऑटो रिक्शा वालों का जीना दुभर कर रहे हैं। यही वजह है कि ऑटो रिक्शा वाले कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए पहुँचे, लेकिन जब वे प्रदर्शन के लिए पहुँचे तो वहाँ पर उनके साथ जो हुआ वह वाकई सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अपनी जायज़ मांगों को लेकर पहुँचे ऑटो रिक्शा वाले पुलिस की लाठियों का शिकार हुए। आखिर वे अपनी बात प्रशासन के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? कहाँ जाएंगे वे अपना दर्द बताने? ऑटो रिक्शा वालों का जीना दुभर हो रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, उनको सवारियां नहीं मिल रही है और शाम होते होते उनकी हालत ये हो जाती है कि 2 जून की रोटी भी नसीब होना कठिन हो रहा है। ऐसे में ओला और उबर वाली जैसी कंपनियां उनका जीवन और कठिन बना रही है। बातचीत करने के लिए अंदर पहुंचा। इनकी बातचीत सफल हो गई थी। इसी दौरान जो है वो कल नीलेश करके एक व्यक्ति है, उसके साथ इंद्र यादव है, उन्होंने जो है वो धमकी दी थी कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो बल कलेक्ट्रेट के परिसर में आस पास सभी जगह लगाया गया था। जब इनकी बातचीत सफल हुई तो अंदर से मैसेज आया कि इन लोगों को बातचीत करने के लिए भेज दी। इन लोगों को अंदर बातचीत करने के लिए भेजा गया। उसी दौरान किसी ने जो है वो दाएं बाएं से आके दुर्गा साहब कमरे में आके और जो है मिट्टी का तेल इसके ऊपर डाल दिया। भागे जो है बातचीत करके और जो है पता लग गया कि वो किसने इसके ऊपर मिट्टी का तेल। क्या नाम है इन दोनों के? एक का नाम नीलेश है, दूसरे का नाम इंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? एक गांधीनगर का रहने वाला है और एक जो है वो लसुरिया का। क्या कार्रवाई होगी? अब जो है वो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी पहले हम जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसमें किसी पुलिसकर्मी के ऊपर भी हाथलेट डाला गया था। हम लोगों के ऊपर भी आया, मेरे ऊपर भी आप देख सकते हो जो है ना, मैं बीच बचाव में हम लोग जो है वो पूरा बड़ा हादसा होते होते बच गया है। बड़ा हादसा होता है ये जो है पुलिस की सतर्कता से। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।